ओम शांति। 1 अक्टूबर के ईश्वर जनरल में आपका स्वागत है। परमात्मा पिता कहते हैं कि परमात्मा ज्ञान की नवीनता ब्रैकेट पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त भवा। तो ये नवीन ज्ञान है, नया ज्ञान है, जो कि शास्त्रों में आपको मिलेगा नहीं। कुछ कुछ अंश मिलेंगे आपको, लेकिन बाकी सब कुछ नया है, क्योंकि नई दुनिया इसी नए ज्ञान से रची जाती है। शास्त्र पुराने हो चुके हैं, जिनसे आज दुनिया भी पुरानी हो चुकी, कलयुग पहुंच चुका है शास्त्र पढ़ते पढ़ते। इसलिए परमात्मा अब नए ज्ञान से नई दुनिया रच रहे हैं। तो इस परमात्मा ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है, प्योरिटी, सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन। फलक से कहते हो कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। लोग कहते हैं कि अगर आग और कपूस अगर साथ में आएंगे तो 100% आग लगनी लगनी है, लेकिन यहाँ पर आग कपूस मतलब कि हस्बैंड वाइफ घर में रहते हुए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हस्बैंड आग है और वाइफ कपूत है, कोई भी हो सकता है आग और कोई भी कपूत हो सकता है, कपूस मतलब। तो विश्व को आप सबकी यह चैलेंज है कि पवित्रता के बिना योगी व ज्ञानी तू आत्मा नहीं बन सकते। पढ़ाई लिखाई में भी देखा जाए, अगर आप ब्रह्मचर्य में हैं, कॉलेज लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, तो आप पढ़ाई में ध्यान दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने ब्रह्मचर्य छोड़ा या तोड़ा तो आपका ध्यान भटकना शुरू हो जाता है। सेम बात यहाँ पर भी है कि अगर आपको ज्ञानी तो आत्मा बनना है, योगी तो आत्मा बनना है, तो यहाँ पर पवित्रता ब्रह्मचर्य इम्पोर्टेंट है। और ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ काम विकार से अलग नहीं, ब्रह्मा बाबा के आचरण में रहना, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। तो पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त, किसी भी व्यक्ति व साधनों से भी लगाव ना हो। तो यहाँ पर सिर्फ व्यक्ति नहीं, साधनों की बात भी हो रहे हैं। ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। ओम शांति।